हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर पे। दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक 400 एम्पियर की आईजीबीटी मॉड्यूल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन आई हुई है रिपेयरिंग के लिए। दोस्तों, ये एकदम फ्रेश न्यू मशीन है। ये एक भाई दुकानदार है हमारे, पावर टूल्स का काम है उनका, तो उन्होंने भेजी है मेरे पास। वो उनको मालूम नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक डिस्प्ले ख़राब निकला है, जो कि इधर है कि ये 5 वोल्ट का 7805 लगा होता है ये इसको चलाने के लिए, तो ये ख़राब हो गया था, इसका किसी कारणवश ख़राब हो गया था, जिससे कि इसमें भी ऊटपटांग वोल्टेज चला जाने के कारण ये मीटर भी इसका उड़ गया था। दोस्तों, अब हमारे पास ऐसा मीटर तो नहीं है, लेकिन हमने इसमें एक ये मीटर है हमारे पास, ये पुराना मीटर है, ये 200 एम्पियर की मशीन से निकाला हुआ है। हम इसको इस पे सेट कर देंगे, जिससे कि ये मशीन चलना चालू हो जाएगी। अभी मशीन चल रही है, मशीन ओके है, आउटपुट वोल्टेज भी निकल रहा है, बस इसमें क्या था, डिस्प्ले नहीं था, तो दुकानदार वाले ने सोचा होगा कि इसको रिपेयर करा ले। तो दोस्तों, ये 400 एम्पियर की आईजीबीटी मॉड्यूल बेस्ड इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है। इसमें आईजीबीटी जो हमारे लगते हैं, वो इस टाइप से आईजीबीटी लगते हैं। ये दो आईजीबीटी मॉड्यूल लगे हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इस मशीन की प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि ये मशीन किस तरीके से चलती है। दोस्तों, ये इसका फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हैं, ये डिस्प्ले लगता है यहाँ, ये वीआरडी सिस्टम ऑन ऑफ का बटन, और ये रिमोट सेंस आरईएम रिमोट सेंस ऑन ऑफ का बटन है। दोस्तों, ये एक रेगुलेटर दिया हुआ है इसमें, ये आर्क फोर्स, मतलब जो वेल्डिंग करते हैं हम, उसमें जो आर्क निकलती है उसके फोर्स को घटाने बढ़ाने के लिए है। और ये जो है दोस्तों, एम्पियर मीटर, करंट एम्पियर मीटर, मीटर मतलब अपना रेगुलेटर है, जिससे कि हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके उसको इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इधर दिया हुआ है ये REM रिमोट सेंस के लिए, लीड लगाते हैं यहाँ पे। REM क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, REM का मतलब इसमें होता है कि ये जो, जैसे ये मशीनें बड़ी मशीनें होती हैं, इसको हम अपनी शॉप में नीचे रख के ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पे भी वेल्डिंग कर सकते हैं, बस इसको ऑन कर देने से। दोस्तों, हम दूर कहीं भी वेल्डिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ये वीआरडी सिस्टम है, जिससे कि पानी में भी इस मशीन को चलाने पे करंट हमको नहीं लगता है। ये दोनों का मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा पूरी फुल डिटेल देने के लिए। दोस्तों, इसमें आगे चलते हैं, तो ये दो होल्डर लगे हुए हैं माइनस प्लस, जिससे कि आउटपुट निकलता है वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरफ देखते हैं तो इसमें एक ये एमसीबी लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों आमतौर पे जो हम मशीनें बनाते हैं वो 200-300 एम्पियर 250 एम्पियर वो सिंगल फेस पे चलती हैं, और ये दोस्तों थ्री फेस मशीन है, इसमें कम से कम 440 वोल्ट चलाने के लिए दिया जाता है, और थ्री फेस भी दिया जाता है। ये एक एमसीबी लगी हुई है पीछे की तरफ, जिससे कि ये वोल्टेज आता है इसमें थ्री फेस, और ये तीन तारें आप देख रहे हैं, ये जो तीन तारें लगी हुई हैं, ये 1 2 3, यही दोस्तों जो है मेन तारें हैं इसकी, जिससे सप्लाई आती है। और इधर देखेंगे तो दोस्तों हम ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो कि 415 वोल्ट पे रन करता है, 0 और 415 वोल्ट, मतलब कि दोस्तों इसमें टू फेस में इसको टू फेस देके भी चला सकते हैं, और
दोस्तों इधर देखेंगे तो ये जो तारे दिख रहे हैं अब ये थ्री फेस के लिए तीन रेक्टिफायर लगाए गए हैं। दोस्तों तीन रेक्टिफायर जो इस प्लेट में सप्लाई आती है वो इस एसी को डीसी बना के आती है रेक्टिफायर के द्वारा, और जो डीसी सप्लाई है उसका लोड ज़्यादा इन रेक्टिफायर पे ना पड़े, इसीलिए ये एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगाया गया है जिसकी वैल्यू 100 μF 800 वोल्ट डीसी है और 30 एम्पियर का है। ये दोस्तों हैवी होता है बहुत, जो हमारे छोटे कैपेसिटर होते हैं उनसे काफ़ी हैवी होता है ये। इसका इसको इसीलिए लगाया जाता है हैवी ताकि थ्री फेस मशीन में रेक्टिफायरों के ऊपर, ब्रिज रेक्टिफायरों के ऊपर एकदम से आने वाले एसी करंट का दबाव ना पड़े और फिल्टर होता रहे करंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे दोस्तों ये एक ट्रांसफार्मर मैंने बताया लगा हुआ है जिसकी सहायता से ये कंट्रोल कार्ड है, इसका कंट्रोल सिस्टम है जो इस ट्रांसफार्मर के द्वारा चलता है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये जो दो जैक लगे हुए हैं इनमें से ड्राइव निकलती है आईजीबीटी को चलाने के लिए। ये आईजीबीटी लगे हुए हैं दो मॉड्यूल दोस्तों। इधर एक ये शंट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं शंट को अलग से लगाया गया है करंट कंट्रोल के लिए। और इस तरफ देखेंगे तो दोस्तों हमको ये चार चार मतलब टोटल की आठ डायोड लगे हुए हैं जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जो हमें बाहर होल्डरों के द्वारा आउटपुट मिलता है। ये एक ट्रांसफार्मर इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, सर्कुलर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये थर्मोस्टेट का, और ये जो है दोस्तों एक ये बिग फैन लगा हुआ है, बड़ा पंखा लगा हुआ है जिससे कि ये मशीन ठंडी होती रहती है। दोस्तों इसी प्रकार से ये पूरी मशीन जो है रन करती है। तो दोस्तों अब ये मशीन तो बन चुकी है, अब इसको क्या है दोस्तों हम 220 वोल्ट देके चालू नहीं कर सकते, तो इसको चलाने के लिए दोस्तों हमारे पास एक ये मेरे पास ट्रांसफार्मर बना हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो मेरे को 440 वोल्ट देता है। तो दोस्तों मैंने इसको ये सप्लाई दी हुई है, ये इस ट्रांसफार्मर को ये सप्लाई दी हुई है 400 वोल्ट, जिससे कि ये ऑन हो जाता है और इसमें सप्लाई आने लगती है, ड्राइव बनने लगती है। मतलब कुल मिला के ये मशीन चालू है, अब इसको हम चालू नहीं करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आईजीबीटी होते हैं, ये जो आईजीबीटी होते हैं जो इनमें लगे होते हैं, इनका क्या काम है, ये जो है कैसे चलते हैं, कैसे ख़राब होते हैं और कैसे इनको चेक किया जाता है। दोस्तों आमतौर पे जो हम वेल्डिंग मशीन सिंगल प्लेट वाली बनाते हैं ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास कई प्रकार से वेल्डिंग मशीनें आती हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। ये देखिए दोस्तों ये इसमें डायोड है, इधर आईजीबीटी लगते हैं, ये इस टाइप से आईजीबीटी जो लगते हैं वो, और ये आईजीबीटी सेम है इसमें और इसमें दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण इसको दो आईजीबीटियों को मिला के और एक आईजीबीटी मॉड्यूल बना दिया गया है। इसमें तीन पिने 1 2 3 और ये एमीटर और गेट है इनके। दोस्तों ये कैसे वर्क करता है चलिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं,
दोस्तों ये जो IGBT मॉड्यूल है आपको मैंने दिखाया, इसमें दो IGBT लगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। दो IGBT से मिलके ये एक IGBT मॉड्यूल बनता है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक IGBT और इधर ये दूसरा IGBT दोस्तों, ये IGBT का सिंबल है, मैं बनाता हूँ दोस्तों, आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। एक IGBT और इधर दूसरा IGBT, ठीक है दोस्तों। ये एक IGBT, ये और ये दूसरा IGBT, मैंने आपको बताया ना दोस्तों, ये दो IGBTियों से मिलके एक मॉड्यूल बनता है, और इसका जो रहता है दोस्तों, इन दोनों IGBTियों में एक डायोड लगा होता है अंदर, आप देखेंगे, आपको मैं उसकी वैल्यू भी दिखाऊंगा। ये एक डायोड लगा हुआ है इस तरफ, और ये दोस्तों एक डायोड ये लगा हुआ है इस तरफ, दोनों IGBTियों में एक एक डायोड लगा होता है, इनबिल्ड होता है दोस्तों। ये जो डायोड होते हैं ना, वो इनबिल्ड डायोड होते हैं, ये ठीक है दोस्तों, ये से कनेक्ट रहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है, इसके पॉइंटों को देखते हैं। ये जो जुड़े रहते हैं ना आपस में, वो मैं जोड़ देता हूँ इनको, कैसे जुड़े होते हैं ये देखिए दोस्तों। ये जो पॉइंट बनाया है मैंने, इसका ये एक पॉइंट जाके ये इस IGBT के ये पॉइंट से जाके जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। आपस में अंदर से ये जुड़े होते हैं IGBT एक दूसरे के साथ, और दोस्तों अब ये एक पॉइंट निकलता है बाहर की तरफ, और इसके ही इधर से ये जो दूसरा पॉइंट बचता है वो भी निकलता है बाहर की तरफ दोस्तों। मैं इसके मदद से भी आपको समझाऊंगा, पहले मैं डायग्राम क्लियर कर लूँ आपको। और दोस्तों जहाँ पे ये आके जुड़ रही है, इसके बाजू से एक पॉइंट जो निकलता है वो भी बाहर की तरफ, मैं बताऊँगा ये कौन से पॉइंट है, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों। और ये जो पॉइंट निकला, ये कनेक्ट नहीं है दोस्तों आपस में, ये बाहर की तरफ। टोटल दोस्तों हमको मिल गए ए, ये और ये दोस्तों। सबसे पहले ये इस IGBT को देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक नंबर, ये कलेक्टर, ये एक नंबर एक IGBT का कलेक्टर है, और ये लिखा है तीन नंबर, ये दूसरे IGBT का कलेक्टर है, ठीक है दोस्तों। और ये अपना हो गया दो नंबर, मिडिल का सेंटर कलेक्टर दोस्तों। ये जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो आपस में जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये देखिए ये तीन नंबर, इसमें लिखा है एक दो तीन, ये एक दो तीन। इसके अलावा दोस्तों यह बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा होता है, छः नंबर और ये सात नंबर, और इधर लिखा होगा दोस्तों
चार नंबर और ये पांच नंबर। तो दोस्तों ये चार पांच और ये छः और सात, ठीक है दोस्तों, ये टोटल आईजीपीटी मॉड्यूल के पॉइंट हो गए। तो दोस्तों ये तो कलेक्टर मैंने आपको बता दिए एक और तीन, एक आईजीपीटी का कलेक्टर, पांच नंबर उसका हो जाता है एमीटर, और दोस्तों ये जो चार नंबर है इसका ये गेट, इस पे पल्स दिया करते हैं, इसी तरह इसका ये गेट हो गया सात नंबर एमीटर, ठीक है दोस्तों। ये इसका इंटरनल डायग्राम है, ये वाले आईजीपीटी का इंटरनल डायग्राम ये मैंने बना दिया, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आईजीपीटी मॉड्यूल का ब्यौरा। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका ख़राब और सही की पहचान भी बता रहा हूँ, चेक करना बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो आईजीपीटी मॉड्यूल है ये एक आईजीपीटी टेस्टर किट मैंने बनाई हुई है, और ये कैसे बनाते हैं जिन भाइयों को बनानी है वो भाई नीचे कमेंट में जाके ना इस वीडियो के अपनी जीमेल आईडी लिखें, तो मैं इसका डायग्राम उन्हें सेंड कर दूंगा। दोस्तों इसमें एक एलईडी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अब इस आईजीपीटी को चेक करने के लिए दोस्तों इसके एमीटर पे माइनस को जोड़ेंगे, ये जो पहला वाला आईजीपीटी है, एमीटर पे माइनस प्रोब जोड़ देंगे इस किट की, और पॉजिटिव सप्लाई को हम इसके कलेक्टर पे दे देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने कलेक्टर पे सप्लाई दे दी। अब दोस्तों इसको आईजीपीटी को रन कराने के लिए पल्स दिया जाता है, पल्स जो कि मैं अपने हाथों से दूंगा इसको, तो ये एलईडी ग्लो करनी चाहिए दोस्तों। ये किसी भी तरह से ग्लो नहीं कर रही है, मतलब कि इसके इस आईजीपीटी के ये वाले पार्ट का भाग ख़राब है। अब हम दोस्तों इसके दूसरे आईजीपीटी को चेक करेंगे, ये एमिटर पे माइनस और कलेक्टर पे प्लस, और पल्स देंगे प्लस पे एक उंगली रख के और गेट पे। दोस्तों दोनों आईजीपीटी ख़राब, ये एलईडी बिल्कुल ग्लो नहीं कर रही है, ना ही कुछ रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब ये आईजीपीटी ख़राब है, और रियली ख़राब है। ये मेरे पास एक ख़राब आईजीपीटी रखा था दोस्तों, इसी तरीके से ये नया आईजीपीटी निकाला है मैंने आपको दिखाने के लिए, चेक कराने के लिए। इस नए आईजीपीटी को मैं इधर रख के और चेक करना बता रहा हूँ। देखिए मैंने इसके अमीटर पे माइनस दे दिया और कलेक्टर पे प्लस, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको पल्स दे रहा हूँ गेट पे, देखिए दोस्तों एलईडी ग्लो करने लगी, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं डिस्चार्ज करूँगा तो ये डिस्चार्ज भी हो रहा है, ये चार्ज, ये डिस्चार्ज, ये चार्ज, ये दोस्तों एलईडी आपको दिख रही होगी अच्छे तरीके से, ये चार्ज, ये डिस्चार्ज, मतलब इस तरीके से ये चार्ज डिस्चार्ज होता है तो ये काम कर रहा है दोस्तों। इसी तरीके से हम इसके दूसरे आईजीपीटी को चेक करेंगे, देखिए दोस्तों। अब इसके प्लस और गेट पे मैं सप्लाई देता हूँ तो ये चार्ज और ये डिस्चार्ज, ये चार्ज, ये डिस्चार्ज, इसी तरीके से आईजीपीटी को चेक किया जाता है दोस्तों। दोस्तों आईजीपीटी को जो अब हम चेक करते हैं तो सिर्फ डायोड की वैल्यू चेक नहीं करनी चाहिए, उसके चार्ज डिस्चार्ज का भी मान निकालना चाहिए। ये जो देख रहे हैं ना आईजीपीटी, इनके बीच में और इनके बीच में एक डायोड लगा होता है, जो मैंने आपको बताया डायग्राम में, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रकार से वर्क करती है। वीडियो कैसा लगा शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। जिन भाइयों को ये किट बनानी है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके अपना जीमेल आईडी लिखें, ताकि मैं उस पर उसका सर्किट डायग्राम भेज सकूं, ठीक है दोस्तों।